हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर या बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर करेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड पार्ट वन, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिमांड को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम डिमांड को एनालाइज करते हैं उसके बेसिस पे हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं, उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, स्टाफिंग की एक्टिविटीज़, फिनांस की एक्टिविटी वहीं से एक्टिवेट होती है कि कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करने हैं, कितना स्टॉक रखना है, कितना पैसा चाहिए, कितनी लेबर चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं डिमांड का मतलब क्या होता है। हम रूटीन के अंदर देखो, नीड हो गया, डिज़ायर हो गया, वांट है गया, डिमांड हो गया, इन सबको हम एक ही चीज़ मानते हैं। बट इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी हम इसकी बात करते हैं, नीड का अलग मतलब होता है, डिज़ायर का अलग मतलब होता है, वांट का अलग मतलब होता है, डिमांड का अलग मतलब होता है। नीड का मतलब होता है जैसे एक पेशेंट नीड्स मिल्क, ए पेशेंट नीड्स मेडिसिन, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। डिज़ायर का मतलब होता है विशफुल थिंकिंग, जैसे बंदा जो है 5,000 की उसकी इनकम है पर मंथ की, लेकिन वो बड़े बड़े ख्वाब देखता है कि मेरे पास बड़ी कार होनी चाहिए, बड़े बंगलों होनी चाहिए, ये विशफुल थिंकिंग है। वांट के अंदर क्या होता है, डिज़ायर भी होती है, हमारी एबिलिटी भी होती है, लेकिन हम रेडी नहीं होते स्पेंड करने के लिए। जैसे मान लो एक बंदा है, उसके पास 25,000 है, वो टीवी लेना चाहता है, ठीक है, डिज़ायर है, पैसे भी हैं उसके पास, लेकिन वो रेडी नहीं है, तो इसको हम वांट कह देंगे। डिमांड का मतलब होता है डिज़ायर भी है, कैपेसिटी भी है, विलिंगनेस भी है। उसकी डिज़ायर है स्मार्ट टीवी खरीदने के लिए, उसके पास 25,000 रुपया भी है, वो रेडी भी है। और डिमांड की जब भी हम बात करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद प्राइस एंड टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर प्राइस पे उस कमोडिटी की कितनी डिमांड है। अब हम डिमांड को डिफाइन कर सकते हैं। डिमांड का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट एनी गिवन प्राइस ड्यूरिंग सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम सुबह सब्जी मंडी 9 बजे जाते हैं तो देखते हैं 9 बजे, ठीक है, 9 बजे अगर टमाटर का रेट जो है 70 रुपये पर किलो है, तो उस सिचुएशन के अंदर कितनी क्वांटिटी जो है कंज्यूमर उसकी डिमांड करता है। क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी जो है डिपेंड करती है पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। उसके बेसिस पे हम वीरा एंस्टे जो है वो डिफाइन करते हैं, डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर गुड इज द अमाउंट दैट विल बी परचेज्ड एट ए गिवन प्राइस एट ए गिवन टाइम। टाइप ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ डिमांड जो है उस कमोडिटी की प्राइस पे डिपेंड करती है। अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखो जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो बताती है प्राइस और कमोडिटी अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम, अगर कुछ चीज़ें जो है कॉन्स्टेंट रहती है, प्राइस और क्वान्टिटी डिमांडेड का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। उसी तरह इनकम जो है, इनकम के अंदर क्या होता है कि डिमांड जो है इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये नॉर्मल गुड्स हैं तो वहाँ पे इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। देखो यहाँ पे स्लोप जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ती जाती है। बट अगर ये कमोडिटी इन्फीरियर है तो उस सिचुएशन में इनकम और डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। अगर मान लो एक गरीब बंदा है, उसको पहले बहुत लिमिटेड इनकम होती है, मान लो उसकी 3,000 इनकम है, तो नेचुरली वो सस्ते से ढाबे से खाएगा। बट अगर उसकी इनकम राइज होकर 25,000 पर मंथ हो जाती है तो वो एक अच्छे रेस्टोरेंट से खरीदेगा, पटरी की बजाय अच्छी शॉप से चीज़ें खरीदेगा। तो अगर इन्फीरियर गुड है तो उस सिचुएशन के अंदर इनकम और डिमांड का जो है नेगेटिव रिलेशनशिप है। उसी के बेसिस पे क्रॉस डिमांड जो है, क्रॉस डिमांड के अंदर हम स्टडी करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती है जिनको हम कॉम्पिटिटिव गुड्स भी कह देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो एक की डिमांड है वो दूसरी की प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर जैसे चाय है, अगर चाय सस्ती हो, अगर कॉफ़ी महंगी हो जाती है तो उसकी जगह पे हम चाय का इस्तेमाल करते हैं, या अगर कोक जैसे पेप्सी, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, अगर कोक एक्सपेंसिव होता है तो उसकी जगह पे हम पेप्सी का इस्तेमाल करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं विच आर यूज टूगेदर। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वहाँ पे देखो जो स्लोप होती है वो बिल्कुल ऐसे होती है, पॉजिटिव होती है। अगर एक की प्राइस इंक्रीज होती है तो दूसरे की डिमांड एक्सटेंड हो जाती है। और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं विच आर यूज टूगेदर, वहाँ पे क्या होता है कि स्लोप जो होती है उसकी नेगेटिव होती है,
जैसे ब्रेड एंड बटर इकट्ठे यूज़ करते हैं, कार एंड पेट्रोल इकट्ठे यूज़ करते हैं, इंक एंड पेन हम इकट्ठे यूज़ करते हैं। अगर कार की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाती है, वहाँ पे उसकी जो स्लोप होती है वो नेगेटिव होती है। उसी तरह ही जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड होती है। जैसे हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ब्रिक्स भी चाहिए होती है, सीमेंट भी चाहिए होती है, रेता भी चाहिए होता है, बजरी भी चाहिए होती है, लेबर भी चाहिए होती है, मशीनें और भी चाहिए होती हैं। कंपोजिट डिमांड का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट एक है बट उसको हम कई जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दूध है, देखो दूध का शेक भी बना सकते हैं, दूध के चाय भी बना सकते हैं, दूध से कॉफ़ी भी बना सकते हैं, दूध से दही भी जमा सकते हैं, दूध से हम पनीर भी बना सकते हैं, दूध से हम खीर भी बना सकते हैं। एक ही प्रोडक्ट है लेकिन इसकी अलग अलग जगह पे रिक्वायरमेंट है। कॉम्पिटिटिव डिमांड जो होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरह ही होती है। अगर एक ही चीज़ एक महंगी होती है तो उसका जो सब्स्टिट्यूट होता है उसकी जगह पे उसको हम इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट डिमांड होते हैं जो डायरेक्टली हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। जैसे ब्रेड है, ब्रेड को हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। अगर ब्रेड की डिमांड बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली ब्रेड बनाने वाले कारखाने भी बढ़ जाएंगे, ब्रेड बनाने वाले इनपुट्स की डिमांड भी होगी, लेबर की डिमांड भी होगी, मशीनरी की डिमांड भी होगी, उसको हम कह देते हैं ड्राइव डिमांड है। उसी तरह ही है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम, प्राइस और डिमांड ऑफ द कमोडिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, प्रोवाइडेड अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगी अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम कौन सी होती हैं। उसी तरह प्राइस एक्सपेक्टेशन है। अगर देखो हमें लगता है कि फ्यूचर के अंदर प्राइस राइज हो जाएगी तो हम क्या करते हैं, आज ही परचेज कर देते हैं। और अगर हमें लगता है कि फ्यूचर के अंदर प्राइस और कम हो जाएगी तो हम फ्यूचर की वेट करते हैं कि उस दौरान हम खरीदेंगे। उसी तरह प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर आ जाता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आ जाती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ जाती हैं। यहाँ पे जो प्राइस ऑफ दी जो डिमांड है कमोडिटी की वो दूसरे की प्राइस पे डिपेंड करती है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, अगर जैसे कोका कोला एंड पेप्सी है, अगर कोका कोला एक्सपेंसिव होता है तो उसकी जगह में हम पेप्सी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं विच आर यूज टूगेदर, अगर एक की प्राइस इन्हांस होती है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। उसी तरह इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर नॉर्मल गुड्स हैं तो वहाँ पे इनकम और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। उसी तरह ही अगर ये घटिया कमोडिटी है तो वहाँ पे इनकम और डिमांड का क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घटिया कमोडिटी की कम हो जाएगी। उसी तरह ही देखो जो पॉपुलेशन है उसके अंदर साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन वो भी हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। अगर पॉपुलेशन बढ़ने से चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, बट उसी तरह क्या होता है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन भी जो है वो भी क्या है, डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। कि पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादातर लोग जो है किस कैटेगरी के हैं, बच्चे हैं, ओल्ड जनरेशन है, फीमेल है, या मेल का ज़्यादा है, मिडिल एजेड का ज़्यादा है। जिस तरह की पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादातर लोग होते हैं, अगर मिडिल एजेड है तो मिडिल एजेड चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी। उसी तरह क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है। देखो जिन चीज़ों का हमारा टेस्ट होता है, जिन चीज़ों का फैशन होता है, उनकी प्राइस बढ़ भी जाए उनकी डिमांड रहेगी। बट अगर फैशन चला रहता है या टेस्ट ही नहीं रहता, वो चाहे सस्ती भी हो जाए तो भी हम परचेज नहीं करेंगे। उसी तरह क्या होता है कि अगर नई चीज़ों की इनोवेशन होती है तो उससे क्या होता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है। जैसे देखो आजकल मोबाइल्स हैं तो मोबाइल्स की डिमांड ज़्यादा है, लैंडलाइन फ़ोन की डिमांड कम है। उसी तरह क्या होता है कि ट्रेड एक्टिविटी के ऊपर भी हमारी डिमांड इन्फ्लुएंस करती है। अगर तो मार्केट के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा बूम है, तेज़ी है, तो उनके अंदर क्या है कि चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। उसी तरह कुछ चीज़ें जो होती है क्लाइमेट और वेदर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर सर्दियाँ हैं तो वैसी ही चीज़ों की डिमांड होगी, अगर गर्मियाँ हैं तो वैसी ही चीज़ों की डिमांड होगी। और अगर क्या है कि सरकार जो है चीप मनी पॉलिसी अडॉप्ट करती है, हमें बड़ी आसानी के साथ क्रेडिट मिल जाता है, तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। उसी तरह क्या है कि अगर लोग ज़्यादा सेव करेंगे तो डिमांड कम होगी, क्योंकि उनका ध्यान ज़्यादा सेविंग पे ही होएगा। उसी तरह क्या है, अगर टैक्सेस कम होते हैं तो नेचुरली क्या होएगा कि हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। अगर टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी।